मॉर्निंग एवरीवन, तो मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आता होगा कि क्या जिसकी फोर व्हीलर की लाइसेंस बना हुआ है क्या वो टू व्हीलर चला सकता है, या जिसका जो टू व्हीलर का लाइसेंस बना है क्या फोर व्हीलर चला सकता है? अगर ये आपका सवाल है, ये समस्या है, या इस समस्या में अगर आप उलझ के परेशान हैं, तो मैं इस समस्या का समाधान अभी आज और इसी वक्त करूँगा। देखिए, इसके लिए आपको चलना होगा दिल्ली हाई कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट है जिसके बारे में जिस पर आपको ध्यान देना होगा। जजमेंट का नाम है HDFC बैंक करके है, HDFC बैंक एक्रो लिमिटेड कंपनी करके इंश्योरेंस कंपनी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उसमें होता क्या है, जो एक्यूज होता है नंबर दो, वो गाड़ी से जा रहा होता है और वो क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, और टू व्हीलर से जा रहा होता है। बाद में जो इंश्योरेंस कंपनी होती है मालिक और ड्राइवर से वो पैसा वसूल करने के लिए MACT ट्रिब्यूनल कोर्ट में याचिका डालती है। जब MACT में डाला जाता है तो ट्रिब्यूनल कोर्ट कहता है कि देखिए ऐसा है, जिसके पास और उस व्यक्ति के पास खाली फोर व्हीलर गाड़ी चलाने का लाइसेंस होता है, तो MACT कहती है कि देखिए ऐसा है, जो आदमी फोर व्हीलर गाड़ी चला सकता है उसको हम ये नहीं कह सकते कि टू व्हीलर चलाने के योग्य नहीं है। और इसी आधार पर जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसकी याचिका खारिज कर देता है ट्रिब्यूनल कोर्ट। और जब याचिका खारिज कर दी जाती है तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो सुप्रीम कोर्ट के में जाती है, वहाँ पे दरवाज़ा खटखटाती है इंसाफ के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट सभी पहलुओं पे विचार करने के बाद में, सब कुछ देखने के बाद, ये कहती है कि देखिए ऐसा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी फोर व्हीलर गाड़ी चला ले वो टू व्हीलर गाड़ी भी चला लेगा। और वो उस चीज़ को मना करती कि देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों के जो फीचर्स हैं वो अलग अलग होते हैं, चलाने के मेथड अलग होते हैं, सारी चीज़ें अलग होती है। तो ज़रूरी नहीं कि जिसके पास फोर व्हीलर गाड़ी का जो लाइसेंस है वो टू व्हीलर गाड़ी भी चला लेगा। और यही कहते हुए ट्रिब्यूनल MACT ट्रिब्यूनल द्वारा जो जजमेंट सुनाया जाता है उसको रद्द कर देती है और इंश्योरेंस कंपनी के पक्ष में ये फैसला सुनाते हुए कहती है कि देखिए ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति जो फोर व्हीलर गाड़ी चला सकता है वो टू व्हीलर गाड़ी भी चला लेगा। इसलिए टू व्हीलर गाड़ी तब माना जाएगा जब व्यक्ति के पास में टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों का लाइसेंस हो, तभी वो दोनों गाड़ी चला सकता है। अन्यथा जिस चीज़ का होगा, टू व्हीलर का होगा तो टू व्हीलर के लिए वैध माना जाएगा और फोर व्हीलर का होगा तो फोर व्हीलर के लिए वैध माना जाएगा। यही कहते हैं केस को खारिज कर देते। तो आप लोगों का जो डाउट था उसकी आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट कीजिए, मुझे मेल कर सकते हैं। अगर कोई संकोच रह गया है तो उस पर मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। तो मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप अपना और अपने का ख्याल रखिए। जय हिंद।